हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, बिग बॉस देखने वालों और जैस्मिन के फैंस के लिए है एक बड़ी खबर। जी हाँ, हम आपके लिए लेकर आए हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज़। जिस चीज़ का आपको था इंतज़ार, अब हम आपको दे रहे हैं प्रूफ के साथ उस बात की पूरी जानकारी। वेल, अगर आप जैस्मिन फैन हैं और आप जैस्ली जोड़ी चाहते हैं तो आपके लिए ही है ये खबर। जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि उसके तुरंत बाद हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से घर में एंट्री होगी जैस्मिन की और क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों, आपको बता दें कि जैस्मिन के फैंस उनके घर से एग्जिट मारने के बाद से काफी दुखी थे। जी हाँ, जब से उनका एविक्शन हुआ है उनके फैंस एक रात भी चैन से नहीं सोए हैं। हर कोई चाहता है कि वो घर के अंदर जल्दी से वापस आ जाए और उन्हें चाहिए जैस्ली मोमेंट्स। जी हाँ, जैस्मिन और अली की जोड़ी देखने के लिए बेकरार है जैस्ली फैंस भी। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे और आप इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खबर जहाँ पर आप हो जाएंगे एकदम खुश। जी हाँ, जैस्मिन के घर में जल्द से जल्द होने वाली है एंट्री और ये है प्रूफ के साथ। वेल, आपको बता दें कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जहाँ पर जैस्मिन को क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है। वेल, वो फिलहाल अपने घर के अंदर ही क्वारंटाइन है। इसकी एक वजह यह है कि बिग बॉस के मेकर्स चाहते थे कि वो होटल में क्वारंटाइन हो, लेकिन उन्होंने कहा कि वो घर पर क्वारंटाइन रहेंगी क्योंकि उनके दो पेट भी घर पर हैं और वो काफ़ी दिनों से घर पर नहीं थी। उन्हें अपने घर की मेंटेनेंस भी देखनी थी और अपने घर का खाना खाना था, इसलिए वो चाहती थी कि उनको क्वारंटाइन घर में किया जाए। इसीलिए उन्हें 3-4 डेज के लिए घर में क्वारंटाइन किया गया है और उसके बाद वो डायरेक्ट पहुंचेंगी बिग बॉस के सेट पर, जहां पर पहुंचने से पहले उनका होगा कोविड टेस्ट और अगर वो टेस्ट में पाई गई नेगेटिव तो वो घर के अंदर डायरेक्ट जा सकती हैं। वेल, दोस्तों, ये तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ना बड़ी न्यूज़। तो फिर बताइए कि आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।